मेरी सभी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें तथा फिर ऑल पर क्लिक कर दें। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन रखा जाने वाला व्रत संतान प्राप्ति में सहायक होता है तथा संतान संबंधी सभी परेशानियों को दूर कर देता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से संतान की रक्षा भी होती है। निसंतान और संतान सुख की कामना करने वाले दंपतियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत वर्ष में दो बार आता है, श्रावण मास में तथा पौष मास में। पद्म पुराण में यह वर्णित है कि जिन जातकों को योग्य पुत्र की कामना हो तो उनके लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सबसे अधिक फलदायी है। कुछ कारणवश कई जातक संतान सुख से वंचित रह जाते हैं। ऐसे समय में पुत्रदा एकादशी का व्रत उम्मीद के सूरज के समान है। पौष मास के शुक्ल पक्ष में यदि विधि विधान से यह व्रत किया जाए तो इसके प्रभाव से संतान प्राप्ति की बड़ी से बड़ी बाधा भी टल जाती है। जो जातक संतान प्राप्ति की इच्छा से यह व्रत करते हैं उन्हें इस दिन संयुक्त रूप से अर्थात पति पत्नी दोनों को संयुक्त रूप से भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा करनी चाहिए तथा पीले फल, पीले फूल, तुलसी दल और पंचामृत भगवान को अर्पण करना चाहिए। इसके पश्चात संतान गोपाल मंत्र का जाप भी करना चाहिए। मंत्र जाप के पश्चात पति पत्नी प्रसाद ग्रहण करें और गरीबों को श्रद्धा अनुसार दान दें। इस व्रत को करने से संतान को सफलता निश्चित ही प्राप्त होती है तथा इस व्रत को करने वाले जातक की कठिन से कठिन समस्याएं दूर हो जाती है और सभी सुखों की प्राप्ति होती है तथा अंत समय में वह वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। आइए अब हम सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, हे वासुदेव, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर हम सब पर बहुत कृपा की है। अब आप हमें यह बताने की कृपा करें कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस दिन शिव नारायण की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान बनता है। अब मैं तुमसे इस व्रत की कथा को कहता हूँ। इस व्रत कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उस राजा के कोई पुत्र नहीं था। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। वह नीपुत्री होने के कारण सदा चिंतित रहती थी। नीसंतान होने के कारण राजा सदैव इस चिंता में डूबा रहता था कि उसके पश्चात कौन उसके पितरों का श्राद्ध करेगा, कौन उसके वंश को आगे बढ़ाएगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका पाऊंगा। जिस घर में पुत्र ना हो तो उस पर सदा ही अंधेरा बना रहता है। इस प्रकार राजा दिन रात इस चिंता में डूबा रहता था। एक दिन दुखी होकर राजा ने प्राण त्यागने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को पाप समझकर उसने फिर ऐसा नहीं किया। एक दिन दुखी मन से राजा ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर सवार होकर किसी वन को चला गया। वहां वन में वह पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ, सुअर, सिंह, बंदर इत्यादि भ्रमण कर रहे हैं। वन में हाथी अपने बच्चों और हथनियों के साथ घूम रहा है। गीदड़ और उल्लू अपनी कर्कश ध्वनि निकाल रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा फिर से सोच विचार में डूब गया। इस प्रकार आधा दिन व्यतीत हो गया। अब राजा यह सोचने लगा कि किस पाप कर्म के कारण उसे यह दुख प्राप्त हुआ है। वन में भ्रमण करते करते राजा को अत्यंत प्यास लग गई
और पानी की तलाश में वह इधर उधर भटकने लगा। थोड़ी ही दूरी पर राजा ने वहां एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि उस सरोवर में विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों ओर कई मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इसे शुभ शकुन समझकर राजा ने उस आश्रम में प्रवेश किया। राजा ने उन मुनियों को साष्टांग प्रणाम किया तथा उनसे पूछा, हे मुनिवर, आप कौन हैं और कहां से आए हैं और यहां क्या कर रहे हैं? राजा की बात सुनकर मुनियों ने उत्तर दिया, हे राजन, आज संतान प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है, अतः हम लोग इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। यह सुनकर राजा ने कहा, हे मुनिवर, मेरे भी कोई संतान नहीं है, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। राजा की बात सुनकर मुनि ने कहा, हे राजन, आज पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है, आज आप इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करें, ईश्वर की कृपा से आपके घर में अवश्य ही पुत्र का जन्म होगा। उसके पश्चात मुनि ने राजा को पुत्रदा एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि बताई। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन पुत्रदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया तथा रात्रि जागरण भी किया। द्वादशी को उस व्रत का पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम कर राजा अपने महल में वापिस आ गया। इस व्रत के प्रभाव से राजा की पत्नी ने गर्भ धारण किया तथा 9 मास के पश्चात उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। युवा होने पर वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। यह सब पुत्रदा एकादशी व्रत का ही प्रभाव था। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जो मनुष्य पुत्रदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करता है, भगवान श्री नारायण उसे संतान प्राप्ति का वर प्रदान करते हैं और अंत समय में वह वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा, बोलो जय श्री नारायण। इस वर्ष 2021 में पौष पुत्रदा एकादशी 24 जनवरी दिन रविवार को पड़ रही है। एकादशी तिथि आरंभ होगी 23 जनवरी रात 8:56 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 24 जनवरी रात्रि 10:57 पर। व्रत पारण का समय है 25 जनवरी सोमवार सुबह 7:13 से सुबह 9:21 तक। अंत में मैं ज्योति गोयनका आप सभी दर्शकों का धन्यवाद करती हूँ। यदि आपको मेरी यह वीडियो उपयोगी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।